नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। महीनों से चली आ रही लंबी सियासी रस्साकसी के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे की डील फाइनल हो गई है। बीजेपी ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं शिवसेना ने भी 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हालांकि बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे ये भी साफ हो गया है कि शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि बीजेपी 146 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 18 सीटों का बंटवारा आरपीआई और एनडीए के सहयोगी दलों के द्वारा किया जाएगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 12 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है जबकि 52 विधायकों को दोबारा टिकट मिल गया है। बीजेपी की जारी लिस्ट के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे, चंद्रकांत पाटिल को कोथरूर से टिकट मिला है। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल को सीडी से टिकट दिया गया है। पंकजा मुंडे परली से चुनाव लड़ेंगे, जामनेर से गिरीश महाजन को, बेलापुर से मंद्रा महात्रे, दहीसर से मनीष चौधरी, गोरेगांव से विद्या ठाकुर, परली से पंकजा मुंडे को बीजेपी का टिकट दिया गया है। वहीं सतारा लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वसंत उदयन राजे भोसले को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में राज्य में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। सीटों के बंटवारों को लेकर हुए विवाद के बाद 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने दोनों ने अलग अलग लड़ा था। 2014 में बीजेपी ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं उसे 122 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिवसेना ने 282 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे महज 63 सीट ही मिले थे। फिलहाल 288 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल और उनके नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी जहां अपने 5 साल के कार्यों का हिसाब दे रही है, वहीं विपक्षी दल सरकार की खामियों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बाजी कौन मारता है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में। ये थी एचएम न्यूज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए एचएम न्यूज के साथ। यदि आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।